दमोह पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का होमगार्ड ग्राउंड स्थित हेलीपैड पर जोरदार स्वागत वंदन अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा के बड़े छोटे नेताओं की मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री श्री चौहान हेलीपैड पर कुछ समय तक नेताओं के साथ में बिताने के बाद तत्काल ही तीनगुली के लिए रवाना हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा इंतजामों के साथ में लोगों की भीड़ रही। मुख्यमंत्री के यहां से तीनगुली पहुंचने के बाद में तीनगुली से रोड शो प्रारंभ हुआ, जिसमें भी सैकड़ों की संख्या में लोगों की उत्साही कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, पूर्व वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, मंत्री का दर्जा प्राप्त श्री राहुल सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, पीएल तंतुवाय, पूर्व विधायक लखन पटेल के अलावा अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री का रोड शो स्टेशन चौराहा कचौरा मार्केट से होते हुए घंटाघर पहुंचा, जहां गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण उपरांत मुख्यमंत्री अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण के उपरांत मुख्यमंत्री जिला भाजपा कार्यालय के समीप से होते हुए कार्यक्रम स्थल तहसील ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया, भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री की पूरे रोड शो के दौरान जहां हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी रही, वहीं कार्यक्रम स्थल पर उन्होंने कन्या पूजन किया। वहीं बहनों ने उनको विशाल राखी भेंट की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के रोड शो में जिस तरह से दमोह की सड़कों में जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आया है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि इस बार पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया की टिकट दमोह विधानसभा से लगभग पक्की हो चुकी है, सिर्फ इसकी घोषणा होना बाकी है। लेकिन आज मैं अपने बेटे बेटियों को बधाई देना चाहूंगा, मेरे भांजे मेरे